नमस्कार दोस्तों, मैं यहीं से गुजर रहा था तभी मुझे ये लोग दिखे। इन लोगों की ज़िंदगी मुझे हमेशा काफ़ी फैसिनेटिंग लगती है और मैं पहले तो मैंने 15 मिनट तक रुक करके 20 मिनट तक रुक करके यही देख रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तभी मैंने देखा कि एक अम्मा जी जो है लकड़ी इकट्ठी कर रही थी, खड़े खड़े अपने कॉल पर बात कर रहा था। इतनी देर में इन्होंने लकड़ी इकट्ठी कर ली, काफ़ी कुछ कर लिया, अपना तंबू वम्बू बना लिया। तो मैंने वही सोचा कि काफ़ी फटाफट इन्होंने इतनी जल्दी ये सब काम कर लिया। मुझे ये लगा कि यार हम लोग हमारे घर में बैठ करके अपनी ज़िंदगी को इतनी आसान तरीके से जीते हैं और तभी इन लोगों को देखो तो इनका ना घर है ना ठिकाना है, फिर भी ये लोग एक ऐसी अनजान जगह पे अनजान शहर में आकर के अपने जीवन को इस तरीके से जीते हैं। तो वो चीज़ देख करके मुझे काफ़ी मतलब वैसा लगा कि एक बार मुझे जाना चाहिए। पहले तो मुझे थोड़ा शर्म रहा कि यार जाऊँ या नहीं जाऊँ, बट फिर फाइनली आए थॉट कि यार नहीं, मुझे जाना चाहिए, मुझे इन लोगों से मिलना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए कि ये लोग आखिर यहाँ पर ऐसे रह रहे हैं अनजान शहर में अनजान जगह पर। और इतनी अभी ठंड पड़ रही है, इतना मतलब कल रात में 13 डिग्री तक का टेम्परेचर चला गया था, तो इतनी ठंड में ये लोग अभी रात में कैसे क्या रुकने वाले हैं। तो आइए इनसे थोड़ा जानते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? कमलेश देवासी। कहाँ से आए हो आप? राजस्थान में जालौर। बैठ जाओ बैठ जाओ। आप पहले तो ये बताइए कितने दिनों के लिए आप आए हो यहाँ पे? हम इधर आज यहाँ रुके इसलिए तो एक दिन भी रुके, हम यहाँ एमपी में पूरे 12 महीने घूमते रहते हैं। अच्छा 12 महीने घूमोगे आप, रुकने का जैसे आज रात में आप यहीं रुकोगे? आज रात में यहीं रुके, खाना वाना सब यहीं बनाएंगे आज रात। तो खाना बनाने का कैसे? ये लकड़ी वकड़ी से? हाँ लकड़ी ले आए। हाँ अपना चूल्हा वगैरह सब तैयार है। हाँ रात के शाम के 6 बजे टाइम होगा जब अपना खाना बन जाएगा। अच्छा तो खाने का समझ आ, पर राशन पानी सब लेके चलते हैं? हाँ सब लेके चलते हैं। अच्छा पहली बात तो ये बताइए कि आप ऐसे जैसे आप पूरे साल भर के लिए घूमेंगे तो आप क्यों घूमते हैं, मतलब क्या कारण क्या है? ये अम्मा जी जो है कुछ बोलना चाहती है तो इनसे भी हम पूछेंगे पर हाँ हाँ आप इधर आ जाइए। नहीं वो आप ही उधर लकड़ी का काम कर रहे थे, जिंदगी में इतनी परेशानी। इधर आइए अम्मा जी आप थोड़ा। चलो मैं आ जाता हूँ। मैं पूछना चाह रहा था कि आप क्यों घूमते हैं ऐसे? हम तो पेट के लिए भाई साहब घूमता हूँ, हमारा पेट दोनों भरा है, घूमता फरा रात में आके दिन में रहता, रात में फरा दिन में फरा, कहा हमारी रोटी कहाँ पानी कहाँ सुख देसे। तो आप अपने जैसे गांव से चले हैं ना? गांव से चले हम। अच्छा हाँ अभी क्या ऊँट ऊँट लेकर के? ऊँट है, भेड़ बकरी है हमारी, थोड़ी हमारे सेठ की है, हमारे राजस्थान का सेठ की। अच्छा तो हम तो पाल रहे हैं, इनके पीछे पीछे रोटी खा रही है, हमारा कहीं भी नहीं, हमारा तो कोई भी नहीं। अच्छा हाँ मानो आज आप यहाँ रुक जाओगे? हाँ है ना। हाँ तो फिर कल आप कहीं और चले जाओगे? और कहीं भी यही रुक जाओ और आगे रुक जाऊंगा, फरता ही फरता हमारे तो। अच्छा हाँ कि आप जैसे यहाँ मध्य प्रदेश के भोपाल में घूम रहे हो है ना? हाँ। तो अभी कहाँ मतलब भोपाल में घूमोगे आप? भोपाल में 12 महीने भोपाल में ही हम दो 12 महीने भोपाल 12 महीने भोपाल में ही। अच्छा ये भेड़ बकरी इन सबको सब, सब। है ना, फिर इसके बाद लेके डायरेक्ट राजस्थान चल जाओ? अब कहीं भी नहीं जा, मेरे साल भर यही है फिर। हाँ हमारा काम नहीं बीजे कहा फिर, हम तो कहीं भी नहीं हमारे। अच्छा बस तो ये जैसा आपके मालिक की है ये माँ, तो वो कैसे लेगा आपसे? वो अमन को ऐसा दे महीना का 5,000 रुपये दे, कहाँ रोटा कहाँ पानी, ऐसे पीछे पीछे फरा रोता फरा आको दन देखा। अच्छा खर्चा पानी का थोड़ा दिया भैया भाई साहब कहीं करा। जैसे ये बालक आपके साथ में है? ये बालक हमारे साथ में, वो ही तो बैठा। कौन है ये? ये हमारे छोरी का लड़की का। अच्छा हाँ तो ये अभी कितने दिन रहेगा यहाँ पे? अभी रहेगा ये साल भर यही बापड़ा यही रहेगा, कहीं रहेगा। अच्छा अच्छा फिर चलो अभी दीदी से बात करते हैं। दीदी आपके साथ ये बच्ची है, इसका क्या नाम है? इसको रितिका। रितिका नाम है इसका। अच्छा तो ये भी अभी यहीं पे रहेगी? ये भी हमारे साथ में रहेगी। मैंने बड़ा सुना है आपके पास इधर ऊँट भी है, तो मैंने क्या आज तक सुना ही सुना है कि ऊँट का दूध बहुत मीठा होता है। ऊँटड़ी का दूध मीठा होता है? ऊँटड़ी का, सॉरी ऊँट का नहीं, ऊँटड़ी नहीं है, ऊँटड़ी नहीं है। अच्छा तो हाँ नर इधर रखते है। हाँ ऊँटड़ी क्यों नहीं रखते? ऊँटड़ी भी यहाँ रहते नहीं है। अच्छा पालन पोषण में बैठे हैं तो उनके? अच्छा तो उनके दूध का कैसे क्या रहता है कि मतलब के मतलब लोग कहते हैं कि उनके दूध को खुला छोड़ दो तो कुछ देर में दूध खुला घंटे भर में छोड़ने में कीड़े पड़ने चालू हो जाते हैं। हाँ। अच्छा तो कीड़े मतलब कीड़ा पड़ जाता है इसमें? आ जाते हैं? नहीं इसमें दूध में से निकलता है, दूध में से कीड़े निकल जाते हैं। दूध में से निकल, दो घंटा पर अपना खुला रखा ना हाँ। तो इसमें दूध में से कीड़ा निकल जाता है। हाँ, जैसा। तो उसका मतलब दूध का प्रयोग काय में किया जाता है? वो दवाई के लिए। दवाई के लिए? अच्छा ऐसे खाने पीने में जैसे अपन खाने पीने में यूज कर सकते? अच्छा पी लो ऐसे दवाई में बनता, लेकिन तुरंत पी लो है ना? चाहिए तो तुरंत पी सकते। ये तो हाथी के उसका बनता था ना पहले? नहीं हाथी का पहले बनता था, अभी रबड़ का बन रही है। पहले हाथी का था, अभी रबड़ का। अभी हाथी का, हाथी का तो बैन कर दिया है, दांत बंद कर। बात बताइए जैसे आप बाहर ही रहते हैं, सब कुछ खाना पीना सब बाहर ही, तो दिक्कत तो बहुत आती होगी? बहुत दिक्कत, बनाने में दिक्कत, गांव में जाएगा मोल लाके खा, या कहाँ मिले या कहाँ दुकान है, सब जा
सब चीज की मुसीबत आती है हमारे लिए। जैसे क्या होता है कि मैं भी मतलब घर के बाहर रहता हूँ, है ना, तो क्या होता है कि जैसे रूम पे रहते हैं, फ्लैट पे रहते हैं, तो हमें खुद काम धाम के बीच में फिर जब खाना बनाना पड़ता है तो ऐसा लगता है कि यार आप कौन ही बनाए, कैसे बनाए, बाहर खा लें, कुछ कर लें या कुछ भी बना के। लेकिन आपका तो फिर भी, लेकिन ऐसा है कि घर तो है, किचन तो है, घर नहीं अभी दुकान या कहाँ हमारे होटल मॉडल जगह खा जा, हमारा तो सेठ इतना पैसा ही तो नहीं दे होटल पे क्या खा। होटल तो फिर भी ठीक है, चलो होटल छोड़ दो, लेकिन फिर भी एक कमरा होता है, किचन हो, गैस हो, नहीं है एक जगह बैठा हो तो और कमरा हमारा मोल कहाँ बैठे है। यहाँ यहाँ तो रोज रोता ही रोता फिरना पड़ता है। चूल्हे पे बनाते हैं, चूल्हा पे बनाते हैं, लकड़ी लाते हैं, चूल्हा पे बनाते हैं, चूल्हा खोदते हैं, पानी इधर इधर से लाते हैं, ये लकड़ी मकड़ी ढूंढ के लेके आते हैं, सब ये हमारा मेहनत का करते हैं और खाते पीते हैं भैया। अच्छा, हाँ, बच्चा बच्ची भी ठंडे मरता है, हम भी ठंडे मरते हैं। हाँ, अभी जैसे है कि बहुत ठंड पड़ रही है, तो जैसे दिन में तो आप चलो ठीक है धूप में कर लिया, लेकिन रात में ठंड पड़ती है तो फिर तो क्या करो, ठंड में इधर इधर ये कम्बल मम्बल थोड़ा बहुत ओढ़ा और रात ऐसे दुख देख के रात निकाला, थोड़ी आग वाग जला लेते हो। हाँ, थोड़ी बहुत आग माग, अभी इतनी लकड़ी भी नहीं मिला, कहाँ आग जला, लकड़ी भी तो कम कम मिले, ऐसा है भैया बहुत तकलीफ है हमारे तो। अब क्या करें, इधर इधर ढूंढता फरना पड़ता है हमारे को। भेड़ बकरियां चढ़ा रहे हैं आप? ये हमारे हैगी 150 होगी, इसकी इसके 200 होगी, ऐसे सबके किसके 100 हैगी। अच्छा, तो कितने लोग, कितने लोग हैं आप? हम यहाँ सब जने होगा 25, ऐसा 10-15 लोग हैगा। आप वोट देते हैं? वोट तो हम हमारे देश में देते हैं, या नहीं, यहाँ हमारे कागज वगैरह नहीं है, राजस्थान में जाके देते होंगे। हाँ हाँ, वोट पड़ते हैं तो हम वहाँ जाके दे के आते हैं वापसी। तो उधर कोई मतलब सपोर्ट वपोर्ट मिलता है उधर नेता? अभी हमारे कोई सपोर्ट नहीं मिला, अभी यहाँ तो रोता फर रहा है, कौन सपोर्ट दे, ऐसा नहीं तो दे देते। हम देश में रहते तो सपोर्ट भी मिलता है, गाँव वगैरह मिलता है हमारे सरकार से, अभी यहाँ कोई कुछ भी नहीं मिलता है। तो बच्चों को स्कूल स्कूल पढ़ाने, स्कूल अभी कहीं यही रहते हैं, छोटा है, कौन वहाँ रोटी पानी दिए उसको, हम यहाँ रहे हैं। क्योंकि सरकार, चलो ये तो रहता है कि यार अगर आप वहाँ रहते तो बच्चों को स्कूल फ्री में मिल जाता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में शिक्षा फ्री में हो जाती है। रोटी वगैरह तो सही है बच्चों के लिए, वहाँ घर पे भी इसके पास छोटा है ना, इसके पास कौन रहे, हम यहाँ रहे, हम वहाँ रहे तो हमारे गार्डर वगैरह का कौन काम करे, इधर तो हम वहाँ देश में रहे तो बच्चों को पढ़ाए तो यहाँ से काम करना पड़ता है। देश में रहते सेठ हमें तनख्वाह भी नहीं देता, पैसा भी नहीं देता, यहाँ हम मजूरी करते हमें सेठ पैसा भी देते थोड़ा। आप वहाँ पे क्यों कोई काम नहीं देख लेते अपने राजस्थान? काम भी नहीं है, क्या काम है, हमारे गार्डर का भी है, मन दूसरा काम पे नहीं, अच्छा काम नहीं लगता है अभी, क्या करा। अच्छा, अभी दूसरा काम मन अच्छा भी नहीं लगता है, करा भी नहीं, इतना बड़ा होकर नहीं करा, तो यही करना पड़ता है हमारे को। तो कमलेश भाई ये बताइए कि आप ये कार्य मतलब जैसे आप कर रहे हो, ठीक है, आपके पहले से मतलब कितने सालों से, कौन कब से चलता आ रहा है ये? हमारे दादा परदादाओं से ये काम चलता आ रहा है, क्योंकि मैं भी बचपन में भी देखता था कि लोग ऐसे चलते हैं, है ना, हमारे परदादा से चलता आ रहा है, हम ये काम करते जा रहे हैं और हमें पशुपालन करना हमारे मुख्य सामग्री बन गया, मतलब मुख्य तो आपका कार्य है ये, मुख्य कार्य ये बन गया। लोग कृषि करते हैं, हाँ, किसान, वैसा आप पशुपालन करते हैं? हम जैसे पशुपालन करते हैं, हाँ, हमारे इनकी रक्षा करने में हमें अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ, तो हम उनकी रक्षा करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उनका पशुपालन करते, वो हमारा उनमें दाल रोटी चल जाती है, अपने काम चल। अच्छा, ये बताओ जैसे आपकी भेड़ भी इधर है, यहाँ देख रहा हूँ मैं कि शायद 400-500 भेड़ इधर है, इधर इधर, तो ये मिक्स नहीं हो जाती है? मिक्स हो जाते, अपने अपने आवाज से बुला, आवाज दे देते, आ जाती। तो कैसे पता चल जाता, जैसे मानो इधर सारी भेड़ बकरी तो मिक्स हो गई? मिक्स हो गई तो आवाज दे देंगे, अपने पीछे आने लग जाएगी, आपकी वाली आपके पीछे जाएगी, कैसे आवाज देने लगते है। ऐसे कम से कम 7-8 साल से मैं धंधा कर रहा हूँ। आप पहचानते हो इनको? हाँ, अपनी वाली पहचान बोले मिल जाएगी तो हम पहचान के निकाल देंगे उनको बाहर। तो पहचानते कैसे, निशान निशान लगा रखा कुछ? हाँ, निशान कभी कभार लगाते, कभी नहीं लगाते, ऐसे ही चलता रहे। थोड़ा ऊंट के पास चले। मैं तो भैया, मेरा मेन कारण तो यही था कि आपके पास आने का, कि कभी ऊँटड़ी होती है आपके पास तो आप दूध देते और मैं उसको नारी नर रखते, नारी, नारी वही रहती है अपने, नारी वहाँ जंगल में रहती है जो जंगल हो। और इनके खाने पीने का कितने दिन का स्टोर कर लेते हैं अपने पास? उनको तो डेली चाहिए, डेली चाहिए दिन। तो जैसे जो ऊँट होते हैं कि भाई 10-15 दिन बिना खाने पीने के भी रह लेते हैं, हाँ, तो वो कैसे? वो नहीं है ऐसे, वो आपने किताबों में पढ़ा होगा। अच्छा, वो गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। ये डेली खाते हैं वो तो मान लिया, हाँ, लेकिन जैसे जो राजस्थान में होते थे कि जाई पहले भाई कहीं आपको जंगल ही नहीं मिल रहा है, खाने पीने को ही नहीं मिल रहा है, तो फिर ये कैसे मतलब तब तो इनको फिर मजबूरी बन जाती होगी भाई 10-15 दिन। हाँ, जब उनकी मजबूरी होती है ना तब कर लेते होंगे, क्योंकि जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ जैसे अभी रोज पानी पिलाओगे तो पी लेंगे डेली, उनको डेली दोनों टाइम पानी चाहिए। 10-15 दिन तक बिना पानी के आप उन्हें घुमा रहे हो तो फिर वो उस हिसाब से अपना खाना पीना मेंटेन कर रहे हैं।
दो या तीन दिन में अपन पानी वगैरह नहीं पिलाएंगे हाँ। तो बीमार होने लग जाएगा। अच्छा हाँ। क्योंकि अब आदत नहीं रही शायद, उनकी आदत नहीं रही कि जो किताबों में पढ़ा है वो भी सच होगा। क्योंकि पहले लोग चलते थे तो राजस्थान में 15 दिन चल रहे हैं, ऊंट को मिल ही नहीं रहा था, वो वैसे ही वैसे जानवर भी वैसे ही ढल जाता है। आप ये पानी कहाँ से लेके आ रहे हैं अम्मा जी? वहाँ से, वो मकान दिख रहा है वहाँ से पानी। कितनी भेड़ होगी अपने पास अभी सबकी मिला के? सबकी मिला के 1000 हो जाएगी, 1000। 1000 भेड़ हो जाएगी। 7-8 कितने लोग हैं आप? हम हो जाएंगे 15-20 लोग आ रहे हैं। 15-20 लोग हो जाएंगे ना। तो ये बताइए कि जैसे आप यहाँ रुके हुए हो, ऐसे आप कभी कहीं रुक जाते होगे तो लोग मना करते हैं? करते ना, मना करते तो हम कोई बैठने भी नहीं देता, तो कोई भी गाली भी दे, कोई मारपीट भी करे तो भी हम आगे चल जाते, आगे चले जाते। अच्छा। अच्छी जगह देख के आगे चल जाते। जैसे आज रात तो यहाँ रुक जाओगे, अब कल की व्यवस्था कैसे बनेगी? कल की व्यवस्था सुबह अपन देखने जाएंगे हाँ। अच्छी जगह देखेंगे, ऐसी ऐसी जगह मिल जाएगी हाँ। तो वहाँ चले जाएंगे हाँ। नहीं मिली तो वापिस इधर या एक दिन और रुके और वापिस घुस जाएंगे। अच्छा, मतलब जगह पहले कोई एक दो व्यक्ति जाकर के देख के आ जाएगा? देख के आ जाएगा जो हाँ। मुखिया होगा डेरा हाँ। वो जाके देख के आएगा हाँ। फिर वो बोलेगा वहाँ अपनी जगह, या एक दिन निकल जाएगा, दो दिन निकल, ऐसे निकल के हम निकाल देंगे। अच्छा, एक सवाल और मेरे दिमाग में घूम रहा था, वो ये कि जैसे मैं मानो रात का समय है और ऐसे जैसे मानो किसी की तबीयत खराब हो जाए, बुखार आ जाए, तो फिर कैसे क्या करते हैं? ऐसे आप तो नए शहर में, कौन कहाँ हॉस्पिटल है क्या है पता नहीं है, फिर वो हम एडवांस में टेबलेट वगैरह ला के रखते हैं। अच्छा, दवाई रखते हैं हाँ। तो वो सुबह तक तो उनको वही टैबलेट रात में खिलाना पड़ता है हाँ। और सुबह होते ही अपन अस्पताल में ले जाते कहीं भी। अच्छा हाँ, इधर ही तो पूछताछ करके अस्पताल में ले जाते। खाने हाँ। पीने में क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं आप? अपन ये दाल रोटी है, दाल रोटी हाँ। मतलब गेहूं की कभी मक्का की, कभी बाजरे की, जो अपने पसंद है वो खा लेते। दूध खा लेते गाडर का। इनके दूध गार्डर का दूध भी निकालते हैं? निकालते हैं। डेली निकालते? नहीं, डेली नहीं निकालते, अभी तो सर्दी का टाइम है तो बच्चों को दूध पिलाते। अच्छा, चलो अभी तो बात यह है कि चलो ठंड है तो दिन भर आप धूप में रह लिए और शाम को ऐसा है कि चलो उड़ाड़ के रह लिए, लेकिन गर्मी में फिर कैसे मैनेजमेंट? गर्मी में भी यही, गर्मी में ही ऐसा ही है, अभी ये ऐसा कैसा गर्मी में हम मैनेज कर लेते हैं। तो धूप में चराते हो या शाम को दिन नहीं, में? धूप में। और इनके चराने का कारण कैसा है कि भाई बस अपने चरा फिरा के मतलब थोड़ी बड़ी हो जाती है, इनमें बाल वाला जाते होंगे तो अपने बाल वगैरह बिक जाते हैं ऐसे, उनका कभी गर्मी के टाइम में दूध भी बिकता है ऐसे। अपना पशुपालन करते हैं अपन, इधर घूमते रहते हैं। ये बच्चे कितने हैं आपके साथ में? मतलब जैसे एक दो बच्चे ये हैं, एक वो छोटा सा बच्चा वो घूम रहा है। दो तीन बच्चे, ज्यादा नहीं, दो तीन बच्चे। चलो अच्छा लगा भैया आपसे मिल करके। वो देखो गिर गया वो, गिरते पड़ते ही इंसान मजबूत होता है। रात में कितनी बजे आप बंद करके? फिर 6 बजे। 6 बजे के बाद बड़ी अपना 6 बजे के बाद खाना वाना करके फिर रात में वापस अपना पौरेदारी करना, का चौकीदारी करना, पूरी रात में करना पड़ता। आप मोबाइल तो चलाते होंगे हाँ, चला तो मोबाइल चार्ज कहाँ पे करते हो आप? ऐसे जैसे ये मकान बना हुआ हाँ, मकान पे जाके चार्ज कर लिया हाँ, पास में बैठ के चार्ज करके ले आते। कोई पैसा भी लेता सार्ज करने का? काय के मोबाइल चार्ज लगाने का पैसे ले लेते? क्यों, क्या हमारा बिजली का बिल आ रहा है? अभी आज तो आप यहीं रुकेंगे एक या दो दिन के? आज की रात बस? नहीं, कल भी रुक जाएंगे। चलिए ठीक है, हुआ तो आपसे फिर से दोबारा मिलने आएंगे। अच्छा लगा आपसे मिल करके, है ना? ओके दोस्तों, तो मैं तो गुजर रहा था यहाँ से, तभी मैंने सोचा कि एक बार मतलब जा कर के मिलना चाहिए, तो मैं मिला और मुझे काफ़ी अच्छा सीखने को मिला। क्योंकि जब आप अपने जीवन से बिल्कुल अपोजिट जो जीवन जीते हैं उनसे मिलते हो, उनसे बात करते हो, उनके बारे में जानते हो कि वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, तो आपके भी जीवन का एक नया दृष्टिकोण खुलता है। जो छोटी छोटी परेशानियों से डरने लगते हैं हम लोग, घबरा जाते हैं, तो वो उस चीज़ में कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। इन लोगों को जब हम देखते हैं कि भाई अपने जीवन में कैसे, जैसे ये अम्मा जी है, ये 60-65 साल की उम्र की इनकी एज होगी, तो ये अम्मा लकड़ी तोड़ रही है, इकट्ठे कर रही है और ऐसे करके फिर बड़ी मेहनत से अपने जीवन यापन कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और ये देख करके फिर हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारे पास लाइफ में जो कुछ भी है, जैसी भी स्थिति में हम हैं, जो कुछ हमारे पास है, आज हमारे पास सब कुछ रहता है बेसिकली, इंटरनेट रहता है, मोबाइल रहता है, घर रहता है, दो वक्त की रोटी मिल जाती है, तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें ऊपर वाले का शुक्रिया करते हुए हमारे जीवन को खुशी खुशी आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और जब जहाँ जैसे भी मौका मिले किसी की मदद करने की तो ज़रूर करिए। और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। कौन सा चाहिए, क्या है? एक और ले लो कुछ, एक और ले लो कुछ, ये देख लो अपने, क्या है? अंबोल चाहिए क्या? दो बहुत लगेंगे। ये लो, आओ ये लोगे, ये मंच। ओ बा भैया, एक बागे दिया हूँ, बड़ी सी वीडियो बना लो। टोपी, तुम्हें टोपी नहीं मिली? ये हम बस।
रोटी नहीं खवा दी दे। हाँ लो बिस्किट खा लो, आप तो चने खाना, चने चने लेके आया हूँ। लो ये इनका तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है, बाय करना, बाय। जैसा भी कर रहे थे वैसे करो, ऐसे करो, ऐसे यू कर। हाँ कर।